हेलो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे स्किप मत करना एंड एडवांस में बोल देता हूँ कि जितना हो सके शेयर करना। और ये वीडियो है हमारे एक अरुणाचली हमारे इंडियन भाई के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर मिराम तारोन के बारे में, जो कि अपर सियांग के जिदो विलेज से है। ये बात है 18 जनवरी की, जब मिराम तारोन एक सियुंगला करके जगह है, उसमें एक लुंगता करके जंगल है, उसमें शिकार करने के लिए गए थे अपने दोस्त के साथ। और वो एक बॉर्डर एरिया है जो कि इंडियन टेरिटरी में आता है, जहाँ चाइनीज वालों ने अराउंड 3 to 4 किलोमीटर रोड ऑलरेडी बना दिया है हमारे इंडियन टेरिटरी में, जो कि सियुंगला एरिया या फिर बीसिंग विलेज अंडर अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के आता है। और वहीं से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना यानी कि चाइनीज आर्मी ने हमारे भाई मिराम तारोन को अबडक्ट कर लिया है, उठा लिया है चाइनीज आर्मी वालों ने। और ये इंसिडेंट के दौरान मिराम तारोन के दोस्त भी उनके साथ में थे, और वो जैसे तैसे पीएलए से बच के आए और अथॉरिटीज को पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया उन्होंने। 3 दिन हो गए हैं, मिराम तारोन का कुछ भी पता नहीं चला है, फैमिली वाले उनके वेट कर रहे हैं। और ये इंसिडेंट ऐसा अरुणाचल में पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे अरुणाचल के बॉर्डर में एरियाज है जिसमें चाइनीज आर्मी ऑलरेडी घुस गए हैं, अपना रूट भी बना लिया है। और गाइस, ऐसे भाई, ऐसे फादर, ऐसे ब्रदर, ऐसे सिस्टर, आप समझ सकते हो कि जो मिराम तारोन के जो फैमिली वाले हैं वो कितना दुखी होंगे इस इंसिडेंट को लेके कि अभी तक उनका बेटा वापस नहीं आया है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सीएम सर से और अपर सियांग एरिया के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी स्टेप उठाइए और मिराम तारोन को प्लीज चाइनीज आर्मी के गिरफ्त से वापस लेके आइए। और प्लीज दोबारा जाके ऐसा आगे किसी के साथ ना हो, उसके लिए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी प्लीज टाइट कीजिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हम सभी इंडियन की हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पेशली हम जितने भी इंडियन लोग बॉर्डर में रहते हैं उन सभी की रिक्वेस्ट है कि प्लीज नेशनल सिक्योरिटी को टाइट कीजिए और हमारा जो मिराम तारोन भाई है उनको प्लीज वापस लेके आइए। तो ये वीडियो को प्लीज इतना शेयर कीजिए कि जो मोदी जी है उन तक पहुंच जाए, ताकि इस चीज को और सीरियसली लिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ही इंडियन टेरिटरी में कोई चाइनीज आर्मी घुस के हमारे लोगों को उठा के ले जाए। गाइस, जाने से पहले मिराम तारोन के जो भाई है मिराम तारोन, वो आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहते हैं, मोदी जी से कुछ अपील करना चाहते हैं, हमारे सीएम पेमा खांडू जी से कुछ अपील करना चाहते हैं, तो वो सुन लीजिए। गुड इवनिंग दोनों भी, मेरा नाम मिराम तारोन है, जिसका भाई को अगवा किया गया है चाइना पार्टी, जो चाइना का सोल्जर जो है, जो हम लोग का बुसिंग का एरिया बोलते हैं, बुसिंग का एरिया के अंदर में, इंडिया के अंदर में है जो बुसिंग, जो तोतिंग का सबसे लास्ट विलेज है बोलते हैं उसको, तो उसका सामने में जो जंगल है उसमें मेरा भैया जो शिकार करने चला गया था, और एक दोस्त जोनी यांग जो, तो उसमें शिकार करते समय को मेरा भैया जो उससे जो बुसिंग का मतलब आगे में है, मतलब वो बॉर्डर से बहुत दूर में है, तो उससे आगे में बाहर में वो लोग शिकार करने चला गया था या जड़ी बूटी कुछ ढूंढने गया था, तो उसमें मेरा भैया को उसमें मतलब बंदी बनाया गया है कि मतलब रात का 6 बजे इतना को मतलब इंडिया का बॉर्डर को क्रॉस करके उसमें 3 किलोमीटर इतना अंदर में आके उसको भाई मेरा भैया को अरेस्ट किया गया है। तो आप सबसे ये विनती है कि उस दिन भी हम बोला था आप लोग को मतलब प्लीज़ हमें शेयर करके मतलब हमको मतलब ऐसा करो शेयर करो ताकि मेरा गवर्नमेंट तक जाए बोल के, इंडिया गवर्नमेंट तक जाए, लेकिन अभी तक नहीं गए, गया है लेकिन अभी तक एक्शन बिल्कुल नहीं है। बिना एक्शन का हम लोग कैसा बेच सकेगा, और फैमिली लोग भी इतना टेंशन में है, और भैया किस हाल में होता है सिर्फ वही कुछ जाने, हम लोग तो अभी तक पता नहीं, सिर्फ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्लीज़ हो सकेगा तो आप लोग मतलब ऐसा लग करने के लिए कोशिश करो कि सपोर्ट करने के लिए कोशिश करो, या मेरा परिवार लोग का तो अभी हालत ठीक नहीं है, ऊपर से हम भी बहुत दिनों से मतलब बहुत दिनों से मतलब ये सोच रहे कि मतलब आगे बढ़े लेकिन बढ़ने का कोई चांस नहीं मिला, क्योंकि हर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट बिना सपोर्ट का हम कैसे आगे पाएगा, हमें अकेला कैसा, एक आदमी की वजह से सपोर्ट नहीं होता है ना, पूरा जितना भी हम आप लोग मतलब देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उसको अनदेखा मत करो प्लीज़, हो सकेगा तो मेरे भैया को मतलब वापस लाने के लिए आप लोग भी सहायता कर सकते हैं अभी ना, मतलब जितना भी जो पॉलिटिक्स लीडर वो लोग सब जितना भी मतलब हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट है वो सब हमको लेके आ दे सकते हैं, लेकिन आप लोग का मतलब सहायता का वजह से मतलब या मतलब आप लोग का फोर्स का वजह से या एक्शन कुछ ऐसा करने से आप लोग हो सकेगा तो लास्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहता है कि मेरा भैया भी आप लोग का एक भाई है, जैसे आपका कोई भाई होगा, भैया होगा कि बहन होगा, दीदी होगा, उस टाइप से मेरा भैया भी तो आपका एक भाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को साथ में बैठना चाहिए, साथ देना चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। तो लास्ट ऑफ ऑल प्लीज़ जो भी हो जैसा भी हो प्लीज़ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे शेयर करके जितना जिसको भी कर सकते आप लोग जितना भी देख रहे हो वो प्लीज़ जैसे भी हो सपोर्ट करो हमको ना, क्योंकि मेरा भैया को वापस आने के लिए प्लीज़।